क्लच गॉड आगे गए जरूर है, गॉड लाइक थोड़ा सा लेट जरूर हुए, बट मोस्ट प्रोबेबली मुझे नहीं लगता वो चार्ज करने की कोशिश करेंगे, बट कोई एक और स्क्वाड है जो क्लच गॉड को यहाँ पे स्पॉट करने में कामयाबी हासिल करेगी, वो कोई और नहीं एक्सो की स्क्वाड हमें देखने को मिलने वाली है, और इस वक्त एक्सो गॉड लाइक साथ में ब्लाइंड टीम एक्सो ने देखी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया, गॉड लाइक रश करना चाहता था लेकिन उनके रश को रोकना पड़ा उनको क्योंकि एक्सो ने पीछे से शॉट्स देने शुरू कर दिए थे। 420 वहां पे डाउन हुए दलजीत के द्वारा, पंक की बात करें उनको भी फाइनली साथ के हाथों डाउन कर दिया गया। जी हां, टीम एक्स पार्क भी मुझे बैकफुट पे देखने को मिल जाती है, टीम एनिग्मा फॉरएवर भी बैकफुट पे, देखिए दोनों टीमें स्ट्रगल कर रही है। दूसरी तरफ गॉड लाइक जोनाथन ब्लाइंड के एक और प्लेयर को खत्म करते आपको नजर आ जाएंगे, के लिए रिवाइवल टेट को मिल जरूर जाएगा। एनटीटी की टीम अभी भी यहां पर सर्वाइव कर रही है, अमेजी एक अंदर शैक के रिवाइवल यहां पर चल रहा है, आगे जाके नूब अटैक करने की कोशिश करते हैं बट इसका कोई फायदा नहीं है बिकॉज इनसेन के इनसेन नेड्स आते ही जा रहे हैं, रुक नहीं रहे अमेजी एक भी रेड। बिल्कुल जैजी को आप देखें सीधा पुश करने को तैयार है, एक और ग्रेनेड जाता हुआ ट्रॉय मोस्ट प्रोबेबली डाउन होते हुए दिखाई दे जाएंगे, एक और ग्रेनेड, एक और ग्रेनेड, एक और ग्रेनेड, एक और मॉली वहां पे गया जरूर है, बट हर एक मॉली और ग्रेनेड को इस वक्त डॉच करते हुए टीम एंटिटी की स्क्वाड ग्रेनेड से वहां पे एलिमिनेट किया गया। चलिए इस ग्रेनेड से वो बच जाएंगे, बट जैजी की बात करें वो थोड़ा जंप शॉट देके कोशिश कर रहे थे प्लेयर्स को डाउन किया जाए, बट ट्रॉय का एक बढ़िया लो टॉस ग्रेनेड था डाउन किया गया। मैप की बात करें वो भी डाउन हो गए, एक और प्लेयर आधे भी डाउन हो गए, मोस्ट प्रोबेबली सैम लास्ट प्लेयर सर्वाइव करेंगे अपनी टीम से, इनसेन जिनके चारों प्लेयर यहां पे सर्वाइव कर रहे थे अचानक से ताश के पत्तों की तरह हमें बिखरते हुए दिखाई देंगे, मोस्ट प्रोबेबली इसी के साथ इनसेन का अंत हमें देखने को मिलेगा क्योंकि उनके पास कुछ खास हीलिंग नहीं है बट वेपन जरूर है, MK14 उनके पास है और एक डेडली वेपन, मोस्ट प्रोबेबली एलिमिनेट करेंगे। जी नहीं, पीछे फ्लिक वाईटी मौजूद थे, इसी के साथ एंटिटी एलिमिनेट हुई, बड़ी मुकाबला है 3v3 का, हील करना पड़ेगा हैदराबाद हाइड्रास के प्लेयर्स को, उसके बाद वो आगे बढ़ते नजर आएंगे, रिवर्स की रिस्पांसिबिलिटी बढ़ जाती है, हियर यू गो रिवर्स का एक स्प्रे आएगा यहां पर, नॉक करा जाएगा इस ब्लैक को, क्या रिवर्स ये गेम कंप्लीटली चेंज कर पाएंगे अपनी टीम के लिए, इस ब्लैक को खत्म भी करा जाता है। मिलेंगे 2v3 का सिचुएशन यहां पे होने वाला, नेक्स्ट सर्कल हाइड्रोपर के पास पूरा सर्कल रहेगा, अभी भी हैदराबाद हाइड्रास की बात करें वो सर्कल के अंदर नहीं है, सामने प्लेयर जा रहे थे, आइए सुबह डाउन के स्ट्राइकर लास्ट प्लेयर बचेगा अपनी टीम से, फ्लिक वहां पे मौजूद थे, डाउन किए गए स्ट्राइकर और इसी के साथ थ्रो रिपर की स्क्वाड आज के दिन का पहला मैच अपने नाम निकालते हुए, भले एक है बैंडियस का लेकिन गॉड लाइक होके बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके हैं लेकिन गॉड नो लीजिए गिर के फाइनली यहां पे नॉक हो ही जाएंगे और अब इसका फायदा उठाने के लिए ड्रीम्स वो जरूर आगे बढ़ना है, कनेक्शन ढूंढ नहीं पाएंगे लेकिन अगर वो थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करें तब वो कनेक्शन जरूर ढूंढ सकते हैं, रेस्ट करने में सक्षम रहेंगे क्लच गॉड जब तक वो आगे बढ़ चुके हैं यहां पे रिवाइवल के लिए। चलिए नियो को वहां पे एगी के द्वारा डाउन किया गया, ये नियो तो नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, उनको एलिमिनेट किया गया, अभी भी जी गॉड जो डाउन थे उनको रिवाइव कर दिया गया है और लाइक जोनाथन अकेले यहां पे फंसे हुए हैं, एनिग्मा वर्सेस जोनाथन यहां पे चलता हुआ, सामने दो प्लेयर मौजूद थे काफी ज्यादा ओवर एक्सपोज कर गए दो प्लेयर को, उन्होंने डैमेज बहुत ज्यादा दिया बट अपने आप को हील कर सकते थे, लेट हुए, क्लच गॉड को भी डाउन किया गया, लास्ट प्लेयर जी गॉड सर्वाइव करेंगे अपनी टीम के लिए, मोस्ट प्रोबेबली गॉड लाइक का खात्मा एक बार फिर से। जी हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हैं ऑलरेडी प्लेयर्स का पिकअप भी आता दिख रहा है लेकिन लीजिए ये वो चीज थी जो मैं नहीं चाहता था हो और अब हो चुकी था, इसका मतलब अब आपको कुछ बढ़िया राइवल रिजर्व शुरू होती दिखने वाली है, आपस में फाइट लेंगे ना तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये रिवेंज के लिए और ज्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पे ऑप्शन बना रहे कि वो सर्कल के अंदर एंटर कर जाओ। लीजिए शैडो को यहाँ पे डाउन कर भी दिया जाएगा, स्ट्राइकर को यहाँ पे कनेक्शन होना चाहिए और वो कनेक्शन आता दिखेगा, एक के बाद एक लगातार प्लेयर्स का कन्फ्यूजन, मोस्ट प्रोबेबली मैक्स का ये ग्रेनेड वहां पे ब्लेज को डाउन जरूर करेगा। जी बिल्कुल डाउन करेगा, लास्ट प्लेयर टीएसएम का इस वक्त निंजा जॉट सर्वाइव कर रहे हैं, वो चार और एक्स्ट्रा फिनिशर्स निकाल के जाते हैं, टोटल 6 फिनिशर्स के साथ विनर चिकन डिनर निकालते हैं, उनके लिए बेहतर रहेगा बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला, स्ट्राइकर निंजा को डाउन करेंगे और इसी के साथ टीएसएम एलिमिनेटेड, स्ट्राइकर मैक्सी दो प्लेयर बचेंगे, 13 टोटल फिनिशर, रिवेंज बड़े आसानी से विनर विनर चिकन डिनर के बहुत ज्यादा करीब और चलिए इसी के साथ रिवेंज का पहला विनर विनर चिकन डिनर की जय हो। आरई स्पोर्ट्स की पोजीशन उनकी अभी के लिए तो डिसेंट देखने को मिलती है, एक्सो की टीम जो ऊपर में आने की कोशिश कर रहे थे उनको बैकफुट पे लेके जाया जरूर जाता है, सनसे जो अलग खेल रहे थे वो खत्म हो चुके हैं, पंक यहां पे नॉक कर दिए जाएंगे, क्या स्नैक्स को पता है कि प्लेयर वहां पे बाल बाल वहां पे फंसते हुए बट इस बार उनको भी नॉक कर दिया जाता है पीछे से, ओआर के जो बाकी प्लेयर्स हैं वो कहर बर्बाद है आपको नजर आ जाएंगे। जेली आईजीएल साहब द बिग ब्रेन फॉर द टीम बढ़िया तरीके से यहां पे एफर्ट्स लगाते देखेंगे, 6 फिनिशर्स आ चुके हैं एक्सो की पूरी टीम को फिनिश करेंगे, आरू के तरफ से फियर्स का भी वो फिनिश आता आपको दिखेगा, राउंड्स हैं और चार दीवारी का कवर बहुत बड़ा होता है, वो ग्रेनेड बाउंस कर उस ग्रेनेड ने कनेक्शन ढूंढा था, एक एओपी वो सर्कल के अंदर जा रहे हैं, हाइड्रा के प्लेयर बगल में बैठे ओजी के लिए भी यहां पर दिक्कतें बहुत बढ़ सकती है, बट ग्रेनेड व्हाट इज हैपनिंग, वरना जिस तरीके से फाइट ले रहे अमेजिंग हाइड्रा फाइनली वो आगे जाने के लिए रेडी हो चुके हैं, उनको पता है कि अब कनेक्शन ढूंढने का सही मौका है, टीएसएम वो अभी एंटर करना चाहते हैं हाइड्रा के ऊपर, बी कनेक्शन ढूंढेंगे, इट इज गोना बी अ ग्रेट क्लस्टर, एक्वानॉक्स को भी यहां पे डाउन किया जाएगा एक के बाद एक लगातार, ओजी एश इज द वन जो कि कनेक्शन एक्चुअली ढूंढ के निकालेंगे यहां पे एक के बाद एक, एक के बाद एक लगातार फाइट्स, ओजी एश इज द वन जो कि बेनिफिट निकाले, बट नाउ टीएसएम ब्लेज विद द ग्रेनेड कल के अंदर धीरे धीरे करके एंटर कर रहे, कवर टू कवर
मूव कर रहे हैं आतंकी। आई एम रियली एक्साइटेड। अगर आपको यहां पर दिख जाए, अगर आपको यहां पे दिख जाए वो बहुत मजा आएगा। एक मिनट बाहर आएंगे, उनको डाउन करेंगे, लेकिन आतंकी इज नॉट हैविंग द एचपी। एक फिनिश जरूर से क्योर करेंगे, लेकिन ये मैच उनके नाम पे नहीं जाएगा। ये मैच आपको टीएसएम के पास ही जाता दिखेगा। वर्सेस हैदराबाद हाइड्रास की फाइट चलती हुई, मैंटी को नॉक किया गया क्योंकि जोकर वो उस छोटे से शैक के अंदर वेट कर रहे हैं। अब इस बार मोलोटोव ने कनेक्शन ढूंढ लिया, गोब्लिन का वो मोलोटोव किसी तरीके से कनेक्शन जरूर ढूंढेगा। ग्लोबल स्पोर्ट्स में दिखते थोड़ी सी बढ़ती दिखेंगी। अक्षत ने यहाँ पे स्ट्राइकर को डाउन किया जरूर है। क्या अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सोल आगे पुश करेगी? एक नॉक जरूर निकाला उन्होंने, लेकिन ओपन से आते हैं हैदराबाद हाइड्रास को स्पॉट ऑलरेडी कर चुके हैं। दे आर ट्राइंग टू गो फॉर सम स्प्रेज ऑन देम, लेकिन जॉनथन वो यहाँ पे स्पोर्ट्स के हीरो को टेक डाउन करने में सक्षम हो जाएगा। अक्षत को बता चुका है कि ऊपर प्लेयर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, स्प्रेज देने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। जॉनथन यहां पे कैनरी को भी टेक डाउन कर देंगे। गोब्लिन ऑलरेडी बहुत आगे आ चुके हैं, ग्लोबल स्पोर्ट्स के ऊपर पूरी तरीके से नजर बना के बैठे हैं यहां पे सोल। और अब यहां पर एक का एक लगातार पिकअप्स आते आपको दिखाई, लेकिन नीचे गोब्लिन के ऊपर भी कुछ डैमेज दिया जाएगा। एनकोर यहां पर अक्षय 5K को भी डाउन करेंगे, सोनिक फॉक्स एनकोर को भी डाउन कर देंगे, और एक के बाद एक लगातार पिकअप्स आते दिखेंगे। अब जिस तरीके से सोल की स्क्वाड को आप देखे सरदार जी, हर डायरेक्शन में वो फाइट ले रहे हैं वहां पे हैदराबाद हाइड्रास को। एजे लास्ट प्लेयर बचे अपनी टीम से, मोस्ट प्रोबेबली स्पॉट किया जाएंगे। गोब्लिन क्या उन्होंने देखा? जी नहीं, अभी तक उन्होंने देखा नहीं, बट फाइनली देखा गया सोल के प्लेयर के द्वारा। ओमेगा डाउन करेंगे एजे को, इसी के साथ ग्लोबल स्पोर्ट्स गोब्लिन को इस चीज की नहीं थी यहां पे। और लीजिए जैसा बोला भनक, नहीं थी, दुर्घटना घट चुकी है ऑलरेडी इनके साथ। और अब यहां पे टॉप डॉग ड्रॉप शॉट के साथ एक और प्लेयर को डाउन करने में सक्षम हो जाएंगे। ग्रेनेड जादू ये, बट टॉप डॉग बचते आगे बढ़ेंगे यहां पे, लेकिन फाइनली अक्षत की तरफ से वो बेहतरीन स्पेस आएंगी, बचा नहीं पाएंगे अपने प्लेयर को। हेक्टर लास्ट प्लेयर स्टार को एलिमिनेट करते हुए सोल की स्क्वाड टोटल 12 फिनिशर्स के साथ। और आप देखिए अभी भी उनके तीन प्लेयर यहां पे सर्वाइव करे। बड़ा गेन वो सर्कल के बाहर, हेक्टर उनके एचपी बहुत ज्यादा कम समय देखने को मिलेगा। एक बढ़िया ग्रेनेड जाता हुआ, बबलू सामने मौजूद रहेंगे, क्या ग्रेनेड से डाउन किए जाएंगे थोड़ी देर में पता चलने वाला है। एडी वहां पे मौजूद है, उनको डैमेज दिया गया, शायद उस ग्रेनेड से डैमेज पड़ा। बबलू की हेल्थ काफी ज्यादा कम हो चुकी है, एक और ग्रेनेड ठिकाने पे गिरा, जस्ट 1 एचपी, बहुत सर्वाइव करा प्लेयर। बट हेक्टर उनके पास इस वक्त हीलिंग नहीं, बट बबलू जिनकी एचपी बहुत ज्यादा कम थी, ऊपर से शॉट आया, बबलू डाउन है। बट फॉर नाउ अभी इस पर्टिकुलर इंसिडेंट पे स्मोक सी आती दिख रही है, ओमेगा के ऊपर भी स्पेस पड़ी है, ओमेगा को टेक डाउन किया जाएगा यहां पे। लेब्रॉन वो आपको आगे बढ़ता दिख रहा है बचाने के लिए अपने प्लेयर्स को, ही इज द ओनली सेव फॉर द टीम। आखिरी भी ओमेगा को रिवाइव देने के लिए, क्योंकि एचपी ऑलरेडी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। यहां पर दो ही प्लेयर्स बचे सोल के पास, एक अनक्षण स्पॉट करेंगे एंड टेक डाउन कर देंगे उस आखिरी बचे प्लेयर को भी, जो कि आपको यहां पे सेंटर में रिवॉल्व दिखा था। रिवाइवल रेकनिंग को मिल चुका है, सोल के प्लेयर दोनों एक पत्थर के पीछे फंस जड़ चुके हैं। बबलू उनके पास पूरा एंगल, एक्टर उनके पास पहले से हमने हीलिंग नहीं देखी, बबलू थोड़ा गलत टाइम डाउन कर देंगे। हेक्टर उन्होंने यहां पे डाउन किया गया, लेब्रॉन सामने मौजूद है, पर अभी वहां से पूरा खेल देख रहे हैं वो, बिना बिना चिकन डिनर के हकदार हो सकते हैं, वो निकाल सकते हैं। लेब्रॉन को डाउन किया गया हेक्टर के द्वारा, अभी अकेले अभी भी सरवाइव कर रहे हैं। 1v2 का सिचुएशन अभी सरदार जी, बट आप देखें शायद वो बिना बिना चिकन डिनर निकाल सकते हैं। डैमेज उन्होंने बहुत ज्यादा दिया, एक मोली ठिकाने पे जी नहीं, एलिमिनेट हो जरूर सकती है, ठिकाने पे गिरा वो ग्रेनेड। 1v2 का सिचुएशन, हेक्टर सामने, अक्षत को डाउन किया गया, एक अकेले प्लेयर बचे हुए, हेक्टर डाउन करेंगे सोल। कल चिकन डिनर पे खत्म किया था, शुरू भी चिकन डिनर के साथ करना ही पड़ेगा। और ऑलरेडी वो डिसन यहां पे प्रदर्शन कर चुके हैं, बट साथ यहां पे उन्होंने जाने की गलती करते हैं, जैसे वो आगे जाते हैं डेस्ट्रो द डिस्ट्रॉयर उनको नॉक करते नजर आ जाएंगे। सात को खत्म करा, इसी के साथ डेस्ट्रो को अभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी पड़ेगी, टॉप शॉट लेने की जरूरत नहीं थी। मेहम के नियॉन यहां पे उनको खत्म करेंगे, इसी के साथ अब बैटल बनता है मेहम वर्सेस टीम एक्सो। फियर्स के पास एक अपॉर्चुनिटी क्लच निकाल के देने की अपनी टीम को, देखिए फर्क नहीं पड़ता जस्ट बिकॉज 12 प्लेसमेंट पॉइंट ऑलरेडी वो अपनी टीम को दिला चुके हैं। मेहम का ये पहला विनर चिकन डिनर आता हुआ, लेकिन गोब्लिन वो यहां पे केमिनी स्पोर्ट्स के डेल्टा पीजी को डाउन कर देंगे। गोब्लिन डेल्टा पीजी का कंफर्मेशन निकालेंगे ब्रिजेस की, ये फाइट जो मुझे बहुत ज्यादा प्यारी लगती है, बहुत ही दिखेगी आपको। लीजिए एक और प्लेयर का फिनिश, अगर आप हल्का सा भी हेड पॉप करेंगे तो कंफर्मेशन आती दिखेगी। ओमेगा की तरफ से यहां पे जस्टिन को भी डाउन किया जाएगा, और लीजिए एक और नॉकआउट आपको यहां पर आता दिख जाएगा। गोब्लिन की तरफ से यहां पे जस्टिन को डाउन किया जाएगा, स्पोर्ट वो अब तक सर्वाइव कर रही है, एक प्लेयर बचा इनके पास यहां पे जो कि रॉबिन द न्यू एडिशन इन द टीम। देखते हैं कहां तक लेके जा पाएंगे, वहीं बस करेंगे और अपने आप को डाउन कर देंगे। ये एक बहुत ज्यादा बड़ी गलती हो जाएगी, यहां पे दिक्कत में फंसी दिख रही है टीम। ये व्हीकल बस बहुत ज्यादा मेजर साबित होने वाला है, उसके लिए प्लेयर्स को आगे आना पड़ेगा। सोल जब उनके प्लेयर्स आगे आएंगे तब उनके ऊपर कंफर्मेशन आएगी, और एश की तरफ से यहां पे ओमेगा का कंफर्मेशन ऑलरेडी आता दिखेगा। आई थिंक वहां पे जो ट्रिगर का स्प्रे था उसने यहां पे मैजिक करके दिखाया, गाड़ी को ब्लास्ट उन्होंने ही करा था। अगर यहां पे सोल की बात की जाए वो बैकग्राउंड में फंस चुके हैं, गोब्लिन जो अच्छा खेल रहे थे उनको यहां पे खत्म कर दिया जाएगा। सर्कल मिलिट्री एरन की तरफ ही है, सर्कल नजर तो यहां रहेगी, क्या पानी को छोड़ेगा, एक्चुअली छोड़ेगा, लोअर शिफ्ट पे आएगा सर्कल और टीम 7C, इनको बेनिफिट बहुत ज्यादा। लीजिए सर्कल ने अपनी करवट पलट ली कि वो उनके बगल में आपको दिख रहे हैं, वो चिकन छीन सकती हैं, अच्छा आ रहा है, बट वो एक बोलते ना विनर नहीं बन पा रहे। अब
इन तीनों टीम्स को अलग अलग रीजन की वजह से जीतने की बहुत जरूरत होने लक्ष्य तरफ से एक बेहतरीन स्प्रे जाएगी जरूर एक प्लेयर को फिनिश करने में सक्षम होंगे बट उनके ऊपर भी कुछ बड़े स्प्रे आएंगे लीजिए इसी के साथ बिग बॉस ईस्पोर्ट्स की लोकेशन भी लोगी लेकिन उनके तरफ से एक अच्छा ग्रेड जाएगा जो कि अक्षत को यहाँ पे नॉकआउट करने में सक्षम होगा अब जस्ट लुक एट दिस द ग्रेड इज गोइंग बिग बॉस ईस्पोर्ट्स को कंफर्म करेगा चिकन अशोक कुड दिस बी द मैच जो कि अभी पूरी तरीके से इनको फेवर कर सके हेक्टर वो अकेले बचे हैं यहाँ पे अक्षत को यहाँ पर रिवाइवल मिल चुका है नेड आज दोनों तरफ से रहे बट हेक्टर दैट नेड वाज एवरीथिंग जेट बॉय विद अ ब्यूटीफुल वन बट अक्षत क्या वहां पे 1v3 कर पाएंगे शॉट लेने की कोशिश करते हैं दोबारा करी जाएगी एक और प्लेयर को यहां पर नॉक करा जाता है राउंड से 1v1 मल्टी टू स्पॉट किया शॉट लेने की कोशिश बट अक्षत सिर्फ एक एचपी में बस वापस सरवाइव करते हुए हील उन्होंने लगा लिया मंगत भी हील लगाते आपको नजर आ जाएंगे स्पॉट उन्होंने कर लिया है आगे जाने की कोशिश एक है उनके हाथ में वुड ही बी एबल टू गेट द क्लच डाउन दैट्स अ क्वेश्चन मंगत को स्प्रे करने की कोशिश ड्रॉप शॉट लिया बट विनर विनर चिकन डिनर लेके जाती आपको नजर आई टीम चिकन रशर्स इस लेवल की तरफ 104 पॉइंट्स टीम सोल दे आर ऑन द टॉप 100 का आंकड़ा 6 मैचेस में इस टीम ने पार किया अमेजिंग द डिफरेंस इज क्वाइट विजिबल हमें नंबर 1 पे कंपटीशन देखने को मिलता है कि बात की जाए नोवे पे टू पर ईस्पोर्ट्स एक अच्छा गेम टीम एच पार्क को भी थोड़ा सा यहां पे फिसलना जरूर पड़ा 46 टोटल अंक उनके भी हैं कहना पड़ेगा इस इन टीमों ने अच्छा प्रदर्शन करा पर की सरप्राइजिंग फैक्टर यहां पे है ऐसी बड़ी बड़ी टीमें भी यहां पे हैं जिनको हमने कभी नहीं सोचा था वो यहां पे आते नजर आएंगी गॉड लाइक ईस्पोर्ट्स कार्ड्स गेमिंग एंड रेवेनेंट